ज्ञान के द्वारा जिस चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते वो विश्वास के द्वारा आप प्राप्त करेंगे. हालेलुया. आर यू हैप्पी? माय टाइम इज ओवर. हाँ, उनका समय समाप्त हो चुका है. इट इज अ प्रॉब्लम. वही समस्या है. वी नीड लॉट ऑफ टाइम. हाँ, काफी समय चाहिए. व्हेन ओवर ना डिनर टाइम ऑफ ब्रदर. कैन आई कैन आई ना I can take only that much I heard. Afterwards, how many minutes I didn't hear. हाँ, आप समय ले सकते हो उतना ही उन्होंने सुना है, लेकिन कितना समय लेना वो नहीं सुना है. Hallelujah. Hallelujah. I walk by faith, not by sight. हाँ, मैं विश्वास से चल रहा हूँ, दृष्टि से नहीं. Okay. Now listen. Very important, you know. काफी महत्व की बात. We all have faith. हमारे सबके पास विश्वास है. You believe, you know, that's why you are sitting in the chair. This chair will not break. आप विश्वास करते हो, इसलिए आप चेयर के ऊपर बैठे हो कि आपको पता है कि चेयर गिर नहीं जाएगी. That is normal faith. It is. वो सामान्य विश्वास. I am not talking about that. मैं सामान्य विश्वास के बारे में बात नहीं करता. Your faith is God kind of faith. आपका विश्वास परमेश्वर के विश्वास के अनुसार. Because क्योंकि 1/3 of you is like Jesus. आपका 1/3 पार्ट प्रभु यीशु मसीह की तरह है. Come with me to Galatians 2nd chapter. हाँ, फिर से एक बार गलातियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में आएंगे. Galatians 2nd chapter verse 20. दूसरा अध्याय और उसकी 20वीं आयत. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. Now listen. ध्यान से सुने. It's a wonderful scripture. I like it so much. अद्भुत वचन है. He says, "No longer I live, Christ lives in me." Yeah. हाँ, अभी मैं नहीं, लेकिन मेरे अंदर मसीह जीता है. The faith I have in me is the faith of the Son of God. मेरे अंदर जो विश्वास है वो परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है. Hallelujah. Hallelujah. The faith what you have is not your faith. जो विश्वास आपके अंदर है वो आपका नहीं है. The faith what is in you is the faith of the Son of God. आपके अंदर जो विश्वास है वो परमेश्वर के पुत्र का है. Hallelujah. Hallelujah. So what faith I have inside? हाँ, मेरे अंदर कौन सा विश्वास है? God's faith I have inside. परमेश्वर का विश्वास मेरे अंदर. When I have a God's faith, I will produce results like God. अगर मेरे पास परमेश्वर का विश्वास है तो परमेश्वर जो परिणामों को हासिल करता है उसी तरह मैं परिणामों को हासिल करूंगा. My faith is a supernatural faith. मेरा विश्वास अवलौकिक विश्वास है. My faith will produce supernatural results. मेरा विश्वास अवलौकिक परिणामों को प्राप्त करेगा. हालेलुया. हालेलुया. पुरिंजदा पुरिलिया पुरिंजदा. डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ गए? व्हाट फेथ यू हैव इनसाइड? आपके अंदर कौन सा विश्वास है? फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. परमेश्वर के पुत्र का विश्वास. व्हाट इज दिस गॉड काइंड ऑफ फेथ? वो परमेश्वर के विश्वास का प्रकार क्या है? व्हाट इट इज? वो क्या है? Come with me to Romans 4th chapter. हाँ, रूमियों की पत्री उसके चौथे अध्याय में आएंगे. Romans 4. Sorry, I'm 1:13 and can somebody read Romans 4:13? क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली. Okay, here it is talking about Abraham. यहाँ पर अब्राहम के बारे में बात कर रहे हैं. How God trained Abraham. किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के साथ व्यवहार किया. Sorry, read verse 17. हाँ, 17 आयत. जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है. Okay, now listen.
अभी सुनिए. Listen, I'll close it very simple. Now I told you God picked up Abraham. हाँ, मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया. Now God trained him in faith life. विश्वास के जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम को काफी कुछ सिखाया. God kept his story as an example for you and me. परमेश्वर ने अब्राहम की जो बातें हैं उसको उदाहरण के तौर पे आपको, आपके और मेरे लिए दिया है. He is called as a father of faith. उसे विश्वास का पिता कहते हैं. First teaching for Abraham. सबसे पहले अब्राहम को सिखाया. Calling those things which is not existing as if it is existing. जो बातें वो देख अस्तित्व में नहीं थी उस बातों को अस्तित्व में देखने के लिए. That is God kind of faith. वो परमेश्वर के अनुसार विश्वास. Bible says. Bible कहता faith, है. By faith God created the world. विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया. By faith by through His word He sustained. The world. उसके शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना हुई. Look here, even there was dark, everything was dark. God came and said, "Let there be light." परमेश्वर ने कहा उजियाला हो. It came. और उजियाला हो गया. God says, "Let there be tree." It came. परमेश्वर ने कहा पेड़ बन जाए तो पेड़ बन गए. Let there be birds. Birds came. पंखी बन जाए तो बन गए. Everything God created through His word. परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर एक बातों को बनाया. नाउ यू आर अ इमेज ऑफ गॉड. अब आप परमेश्वर की प्रतिमा हो. से आई एम अ इमेज ऑफ गॉड. कहे मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं. आई हैव द गॉड काइंड ऑफ फेथ. नाउ यू हैव वन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू. अभी आपका जिम्मेदारी है. व्हाट इज नॉट देयर इन योर लाइफ यू शुड कॉल इट. Come in Jesus name. आपके जीवन में जो कुछ भी नहीं है आपको यह कहना है यीशु के नाम से आ जाए. Come into existence in Jesus name. यीशु के नाम से वो अस्तित्व में आ जाए. It'll come. और आएगा. Hello. Hello. Abraham. इब्राहिम. 75 years he came out. 75 साल की उम्र में वो बाहर आया. 99 years no child. 99 साल की उम्र तक कोई बच्चा नहीं था. Against all hope he hoped in God. फिर से एक बार उसकी हर एक आशाएं परमेश्वर में ही थी. Bible says. Bible कहता है. His wife's womb was dead. बाइबल ये कहता है उसकी पत्नी का गर्भ मर चुका था. Cannot conceive a child. वो बच्चे को कंसीव कर सके ऐसी पोजीशन में नहीं थी. All hope he believed in hoped in God. और ये सभी बातों के दौरान उसके बाद भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया. He did not waver, he did not doubt, he did not stagger at the promise of God. परमेश्वर का जो वचन था उसके ऊपर उसने कोई भी प्रकार का शक नहीं किया. Hallelujah. Hallelujah. The best joke of that period is God changed his name. सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने उसके नाम को ही बदल दिया. No child for 99 years. 99 तक साल तक कोई बच्चा नहीं था. God changed his name. God changed her name. परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को और उसकी पत्नी के नाम को बदल दिया. Made him Abraham Sarah. हाँ, अब्राहम का अब्राहम और सारा का सारा ऐसा. Father of many nations, mother of many nations. काफी देश जातियों का पिता, काफी देश जातियों की माता. Maybe people would have laughed at them. लोग उनके ऊपर हंस रहे थे. But he kept on saying it. लेकिन वो बोलते रहा. Mother, 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 माता, mother, माता, father, माता. Father, 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 father. पिता, पिता. One year miracle took place. What? One year miracle took place. और एक साल वो चमत्कार हुआ. Hallelujah. Hallelujah. I don't know what you need. आपने क्या किया वो मुझे पता नहीं. Let me give an example. That एक उदाहरण मैं देता हूँ. You know, my refrigerator, somehow it was not working. उनका जो रेफ्रिजरेटर था वो बराबर रीति से कार्य नहीं कर रहा था. It was occupying the place. हाँ, वो जगह को रोक रहा था. I just sold it off. उसको बेच दिया. But I said my stabilizer and stand will not go. It will be there. हाँ. मैंने ऐसा कहा मेरा स्टेबिलाईजर और उसका जो स्टैंड था वो वहां से नहीं जाएगा. It'll be there only. वो वहीं रहेगा. Every day I will look at the place and say, refrigerator, come in Jesus name. हर रोज मैं देखता था और कहता था रेफ्रिजरेटर यीशु के नाम से आ जा. I will tell it, even my children will not know, my wife will not know, because they should not think what happened to daddy looking at the stand and calling refrigerator. हाँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी उनको भी मैंने नहीं कहा. They don't know. हाँ, वो भी नहीं जानते थे क्योंकि नहीं तो ऐसा सोचते थे कि मेरे पिता क्या कह रहे हैं. So I will keep telling refrigerator come. तो मैं ये कहते ही रहा कि refrigerator आ जाओ. One day somebody rang my calling bell. हाँ, और एक दिवस एक व्यक्ति ने
उनका जो डोरबेल एंड रेफ्रिजरेटर केम इन माय हाउस डोरबेल दबाया और रेफ्रिजरेटर आई डिडंट पे 1 रुपी फॉर इट उसके लिए मैंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया आफ्टर रेफ्रिजरेटर केम रेफ्रिजरेटर आ जाने के बाद आई टोल्ड माय वाइफ व्हाट आई डिड हां मैंने क्या किया था वो मेरी पत्नी को कहा माय वाइफ सेड सेम थिंग आई आल्सो डिड हां मेरी पत्नी कहने लगी कि मैंने भी वही बात किया था I don't know what is your need. मैं ये नहीं जानता कि आपकी जरूरत क्या है. But one thing I know. एक बात जानता हूँ. Your faith is a faith of the Son of God. आपका विश्वास वो परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है. You can stop the storm in your life like Jesus did it. जिस तरह यीशु मसीह ने किया उसी तरह आपको आपके जीवन में करना है. You can change things in your life. आप अपने जीवन में हर एक बातों को बदल देंगे. Walk like Jesus. जब चलो तो यीशु की तरह चलो. When you talk like Jesus. जब बात करो तो यीशु की तरह बात करो. Hallelujah. Hallelujah. Call those things. वो हर एक बात. You know there's very important to call. वो उसका काफी महत्व है कहना. For example. उदाहरण के तौर पे. Your child is not studying. अगर आपका बच्चा योग्य रीति से पढ़ नहीं रहा है. What you will tell? आप क्या करेंगे? Some fathers tell, यार पढ़चालों पढ़ीपाम ब्रदर, यम पायों उरुपड़वे माटा. My son will not study. Everybody will study. हाँ, सब बच्चे पढ़ेंगे लेकिन मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा. वो faith, that is not faith. उसको विश्वास नहीं कहते. Okay, your rank is not there. You know, one man of God said like this. I liked so much. हाँ, एक प्रभु के भक्त ने PG Varghese, he said this. Yes, PG Varghese नाम का एक परमेश्वर का दास है, उसने इस तरह कहा. If my memory is right, his first daughter, first test, she got the last rank in the class. हाँ, उनकी जो पहली बेटी थी, उसको परीक्षा के अंदर अपने क्लास में सबसे अंतिम नंबर वाला रैंक मिला. Last rank, all single digits, like telephone number. टेलीफोन नंबर का जो डिजिट होता है ना उसी तरह हर एक सब्जेक्ट में उसको मार्क मिला 1, 5, 2, 3 उस तरह जीरो. This man took her daughter. उसने अपनी बेटी को लिया. Every day he told it him, sir. हर रोज वो कहने लगा. You will be at the top, not at the bottom. तो आप सिर से लेकर पांव तक एक टॉप पे रहेगी. हमेशा ऊपर रहते. हमेशा ऊपर रहेगी. You will be at the top, not at the bottom. हाँ, टॉप. आप हमेशा ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे. Kept on telling. हमेशा कहते रहा. Then took her to the test, next test. और दूसरी टेस्ट में उसको लेकर गए. 50 children studied in that class. क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे थे. She got 49th rank. उसको उन 49th रैंक मिला. When she got 49, he shouted hallelujah. जब 49th रैंक मिला वो जोर से बोला हालेलुया. One rank improved, no? क्योंकि एक नंबर बढ़ गया था. He kept on telling. फिर से वो कहने लगा. When she come to degree. जब डिग्री की कक्षा में आ गई. She got a gold medal. उसने गोल्ड मेडल को लिया. Hallelujah. Hallelujah. You are a more than a conqueror. आप विजेता से बढ़कर हो. But how do you use your tongue? पर किस तरह आप अपने जबान का इस्तेमाल करते हो? How are you calling things? किस तरह आप बातों को बोलते हो? If you don't have money, call the money. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा को यहाँ बुलाओ. If you have a back pain, अगर आपके पास बैक पेन है, don't come and tell me I have a back pain. आप आएंगे और कहेंगे मुझे बैक पेन है. Listen. सुनिए. Some people tell me, brother, आप लोग खुदा का सेवक है. आप परमेश्वर के दास हो. आप लोग का अभिषेक ज्यादा है. आपका अभिषेक ज्यादा है. कौन बोला ऐसा? We all are anointed, same anointing only. हमारे सबके ऊपर वही सामर्थ्य है, अभिषेक है. Your faith is more than my faith. आपका जो विश्वास है मेरे विश्वास से बढ़कर है. Do you believe that? क्या आप ऐसा विश्वास करते हो? Romans 3:27. रोमियो की पत्री 3:27. तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं. कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन इट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ फेथ. इसे विश्वास का नियम कहते हैं. फेथ इज अ लॉ. विश्वास एक नियम है, एक सिद्धांत है. कैन यू गिव दैट पेपर? वन मिनट. नाउ लिसन, लुक हियर. हाँ, ये पेपर को देखें. सी What faith I have is the faith of the Son of God. मेरे पास जो विश्वास है वो परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है. What faith you have is the same faith of the Son of God. आपके पास जो विश्वास है वो भी परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है. We all have the same faith. हमारे सबके पास सेम विश्वास है. Hallelujah. Hallelujah. And faith is a law. Lock. Law. It's a law. It's a principle. एक सिद्धांत है वो. If I throw this paper, whether it will go down or it will go up. अगर इस पेपर को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो वो नीचे जाएगा और ऊपर की ओर जाएगा.
If one lady comes and does, it will go down, it will go up. अगर कोई बहन आकर भी यहाँ से छोड़ेगी तो भी वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? Sure? You come. You understand? Okay, you come. You come quickly. Now one small boy does it. Whether it will go down, it will go up. अभी ये छोटा बच्चा करेगा तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? Throw the paper. It will go down, it will go up. नीचे गया या ऊपर गया? Law is same. तो नियम वही है. Faith is same. विश्वास सेम है. Only difference is knowledge. लेकिन जो फर्क है वो ज्ञान का है. Knowledge is a difference. ज्ञान वो अलग बात है. What you have to do is, आपको क्या करना है? You should stop giving your head for people. Pray, 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 pray. You should stop. आपको हमेशा अपना सिर को लोगों के सामने ले जाकर मेरे लिए प्रार्थना करो ऐसा नहीं करना है. वो फर्स्ट वो बंद करना. पहले तो वही बंद कर देना. That is a insult for the God kind of faith what you have inside you. हाँ, परमेश्वर के प्रकार का विश्वास और आपके अंदर क्या है? That is insult for that. हाँ, वो उसके लिए एक अपमान की बात है. Your faith is a God kind of faith. आपका विश्वास परमेश्वर के अनुसार विश्वास है. You should believe. आपका विश्वास करना है. When I pray in the name of Jesus, answer has come. जब मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा तो उत्तर आएगा. Hallelujah. Hallelujah. God is your father. परमेश्वर आपका पिता है. How many of you believe God is your father? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है? How many parents are there? Can I see your hand? हाँ, यहाँ पे कितने माता पिता है वो अपने हाथों को उठाएंगे? Sure. Now, brother's daughter is there. Where is your daughter? हाँ, भाई की बेटी. Okay, now look here. She comes to me. वो मेरे पास आई. Uncle, I want one chocolate. हाँ, मुझे एक चॉकलेट चाहिए अंकल. Tell my father to buy and give. हाँ, और मेरे पिता को कहना कि वो मुझे खरीद कर देंगे. How he will feel? हाँ, कैसा विश्वास? Hello. Are you listening? सुन रहे हैं आप? Your son comes to me. आपका बेटा मेरे पास आता है. Your daughter comes to me. या तो आपकी बेटी मेरे पास आती है. Telling me, uncle, I want chocolate. और उसे हमें ये कहती है कि अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए. You tell my father to give. आप मेरे पिता को कहो. How you will feel? आपको कैसा लगेगा? You'll feel happy? आपको आनंद आएगा उसमें? Hey, my son should come to me. Why are you going to others? हाँ, मेरा बेटा मेरे पास आना चाहिए, क्यों दूसरे के पास जाता है? Yes or no? हाँ या ना? God is your father. हाँ, परमेश्वर आपका पिता है. Hallelujah. Hallelujah. How many of you can go to father? हाँ, कितने लोग ये विश्वास करते हैं आपको पिता के पास जाना है? Jesus said, यीशु ने कहा, Father himself loves you. पिता ने खुद आपसे प्रेम किया. फादर हिमसेल्फ लव्स यू. पिता ने खुद आपसे प्रेम किया. इन दैट डे यू विल गो टू फादर. उन दिनों में आप पिता के पास. आफ्टर रिजरेक्शन डे यू विल गो टू फादर. पुनरुत्थान के बाद आप पिता के पास जाएंगे. यू विल आस्क इन द नेम ऑफ जीसस. आप यीशु के नाम से मांगेंगे. माय फादर विल गिव इट. और मेरा पिता वो आपको देगा. हालेलुया. हालेलुया. यस ऑर नो? हां या ना? यस ऑर नो? हां या ना? God bless you. Yeah, learn something today. आज आप कुछ सीखे या नहीं सीखे? One more time, tell after me. God is my father. I am God's child. I am heir of God. I am joint heir with Christ Jesus. I am a owner for the whole world. I am a more than a conqueror through Christ who loves me. परमेश्वर मेरा पिता है. मैं उसका बच्चा हूं. यीशु के साथ मैं उसका वारिस हूं. मैं पूरी सृष्टि का मालिक हूं. और मैं विजेता से बढ़कर हूं. हालेलुया. हालेलुया. Shall we clap hands and give God the glory? Yes. This is new creation, okay? This is, you have to meditate the scriptures. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you, Brother Joy. अभी ये हमारा गाना का किताब में 8 नंबर गीत, उसमें एक और एक स्टैंसा गाएंगे. उसमें जो वचन सुना है हम लोग, उसके आधार पर है वो. मसीह के साथ मैं क्रूसित हुआ हूँ, अब और मैं नहीं जीवित रहा. वो देखिए, उसका सेकंड स्टैंसा होगा, 8 नंबर का गीत. मसीह के साथ मैं
क्रूसित वह हो, अब और मैं नहीं जीवित रहा, मसीह के साथ मैं क्रूसित वह हो, अब और मैं नहीं जीवित रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, उनके विश्वास से मैं जीवित हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है, उनके विश्वास से मैं जीवित हूँ, नई सृष्टि में नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि पुरानी बात है देखो सब हो गई पुरानी बात है देखो सब हो गई तो कोई व्यक्ति मसीह में सृष्टि है कोई व्यक्ति मसीह में सृष्टि है पुरानी बात है देखो सब हो गई पुरानी बात है देखो सब हो गई। ये गाना आपको बहुत काम में आएगा। मैं जैसा पास्टर जी ने बताएं